गणपति आने वाला है और हम सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गणपति के प्रसाद के लिए उनका फेवरेट मोदक रेसिपी, और वो भी एक नहीं पांच पांच। बहुत ही आसान और झटपट ये पांच तरीके के स्वादिष्ट मोदक आप कम सामग्री से यूं ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी मोदक। आप सोच रहे होंगे टूटी फ्रूटी मोदक कैसे होते हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर। गणेश जी को भी बहुत भाएंगे। फटाफट से हम रखते हैं एक कढ़ाई और फ्लेम को थोड़ा मीडियम रखेंगे, और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे दो चम्मच घी, और घी के मेल्ट हो जाने पर इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप सूजी। लो मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे। बस ऐसा भूनना है कि कच्चापन निकल जाए पर कलर ना चेंज हो। आपको सिर्फ दो मिनट ही सूजी को भूनना है। गैस को ऑफ कर देंगे और सूजी को प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब इसमें हम डालेंगे 2.5 कप दूध। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, मान के चलिए 6 से 7 बड़े चम्मच के करीब ये चीनी है। साथ ही मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अच्छी तरीके से स्टर करते हुए हम चीनी को मिक्स करेंगे। फ्लेम को यह मीडियम हाई रखेंगे, दूध में उबाल आने देंगे, और दूध में उबाल आ गया है। इस स्टेज पर आप फ्लेम को कर दें लो। अच्छे से चीनी भी घुल गई है और जो हमने अभी सूजी भून के रखी थी ना, बस अब धीरे धीरे करके डालते जाइए और मिक्स कीजिए। एक साथ मत डालिएगा वरना लम्स बन जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाती है मिक्स करने में। इतने माइंड ब्लोइंग और टेस्टी बनेंगे कि गणेश जी भी खुश हो जाएंगे। और अब मैं सारा डाल देती हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे और मिलाते जाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और देखिए सूजी कितनी जल्दी गाढ़ी भी होने लगी है। बस कुछ ही देर में ये पैन भी छोड़ने लगेगी। फ्लेम को यहाँ बिल्कुल लो रखें, और इस स्टेज पर एक छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ साइड से घी, जिससे कि ये बिल्कुल बढ़िया से एक सार हो जाए। और सूजी ने बिल्कुल पैन छोड़ना कर दिया है शुरू, और इस स्टेज पर हम कर देंगे गैस को एकदम ऑफ, और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मिक्स टूटी फ्रूटी। बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, या आप इसे घर में भी बना सकते हैं। घर में टूटी फ्रूटी कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अच्छे से कर लेंगे इसी गर्म कढ़ाई में मिक्स। फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दें। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है मिक्स, है ना? तो ये देखिए मिक्स हो गया बिल्कुल तैयार। इसको ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, हल्के गर्म में ही फटाफट बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं मोदक। तो उसके लिए मैंने लिया है मोदक मोल्ड। ये आपको आसानी से किसी भी सुपर स्टोर या बाजार में मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। तो इसको हम कर लेते हैं अंदर से ग्रीस, थोड़ा सा घी लगा करके। बस अब इसको करते हैं वापस से बंद, और मिक्स को थोड़ा थोड़ा करके हाथों को चिकना करके इस तरह से अंदर भरते जाएं, और थोड़ा सा बीच में स्पेस दें। और मैं बीच में इसमें फिल कर रही हूँ किशमिश। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना आप इसके बगैर भी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता, तो जब आप खाएंगे इसको और एकदम मुंह में आएगा किशमिश और पिस्ता का स्वाद, तो मजा आ जाएगा। इसके ऊपर मिक्स थोड़ा सा और लगाएंगे और हाथ से इस तरह दबाते हुए इसे भर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से धीरे से आप इसको खोल लें। वाओ, लग रहा है ना कितना प्यारा? ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कितना मल्टी कलर हमारा मोदक बना है। तो इसी तरह से हम सारे ही मोदक तैयार करेंगे। थोड़ा बहुत शेप इधर उधर हो जाए तो आप हाथ से थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आप इसको बिना मोल्ड के बनाने वाले हैं तो इस तरह से आप एक लड्डू की तरह से मिक्स को लीजिए और इसको इस तरह दबाते हुए शेप देते जाइए। इस तरह से आप मोदक की शेप दे करके आपने एक टूथपिक या कोई भी स्क्यूअर और यू प्रेस करते हुए इसमें इस तरीके की मार्क्स लगा दें। इस तरह से मार्क करके आप बिना मोल्ड के भी मोदक को बना सकते हैं। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही सुंदर टूटी फ्रूटी मोदक। तो इस बार गणेश चतुर्थी पे ये प्यारे से बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट टूटी फ्रूटी मोदक आप जरूर ट्राई करें। क्विक एंड इजी संदेश मोदक, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सॉफ्ट और बनाने में बहुत ही आसान। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। आप दूध को फाड़ करके जो छेना तैयार किया जाता है या तो वो ले लें, या इस तरीके से मार्केट वाला पनीर भी लिया जा सकता है। इस तरह छोटे छोटे मैंने टुकड़े कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में हम डाल देंगे सारा पनीर। तो इस तरह से ग्राइंडिंग जार में पीसने से पनीर बहुत ही बढ़िया मैश हो जाता है। आप चाहें तो कद्दूकस से कसकर भी इसको तैयार कर सकते हैं, या हाथ से बढ़िया से मैश भी कर सकते हैं। तो इसको हम बढ़िया से पेस्ट जैसा पीस लेते हैं। और ये देखिए मैंने बढ़िया से इसको पीस लिया है, एकदम
क्रीमी ये तैयार हो गया है। अब आप एक पैन या कढ़ाई रखें, गैस पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और जो हमने अभी बिल्कुल पनीर को मैश किया है सारा हम पैन पर डाल देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क, लगभग 5 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क, जैसे मिल्क मेड या मिठाई मेड। और कंडेंस मिल्क घर में कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से कंडेंस मिल्क और पनीर को मिक्स करें। कंडेंस मिल्क खुद भी बहुत मीठा होता है, इसलिए हमें कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं एकदम सा क्रीमी होता जा रहा है ना, तो बस आपको 6 से 7 मिनट ही लगेगा इसको मिक्स पूरा तैयार करने में। यहाँ जरूरी बात, आप बहुत ज्यादा इसको ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना ये दरदरा हो जाएगा, फिर आपको मोदक की शेप देना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ठंडा होने पर अपने आप ही थिक होने लगेगा। पैन छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए 6-7 बूंद रोज एसेंस की, जिससे कि बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आ जाए। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, लगातार चलाना है हमें इसको। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पिंच रेड रोज कलर, इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इसको थोड़ा सा पिंक लुक दे रही हूँ, आप चाहें तो व्हाइट भी बना सकते हैं। इस स्टेज पर मैं गैस को बिल्कुल ऑफ कर रही हूँ, थोड़ा सा इसी तरह चलाते रहेंगे। हल्का ये आपको गीला सा लग रहा होगा, लेकिन इससे ज्यादा आप बिल्कुल मत ड्राई कीजिएगा। तो देखिए मिक्स हो गया है हल्का सा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा ना होने दें। आपने एक मोदक मोल्ड मिक्स को इस तरह से फिल करें, बीच में थोड़ी सी हम स्पेस छोड़ेंगे, साइड में प्रेस करते जाएं और इसको प्रॉपर शेप दें। ये मैंने लिया है थोड़ा सा पिस्ता बारीक कटा हुआ, आप अपने मन का कोई भी ड्राई फ्रूट्स, नारियल का बुरादा, कुछ भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं। चुटकी भर इसके ऊपर छिड़क रही हूँ इलायची पाउडर, ऊपर से इस तरह प्रेस करते हुए कर देंगे बंद। मोदक को डीमोल्ड करेंगे, धीरे से करेंगे क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है। वाह कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए जो भी शेप या थोड़ा बहुत भी कुछ आपको लगे तो इस तरह से प्रेस करते हुए उसको शेप अप कर दें। ब्यूटीफुल हमारा संदेश मोदक तैयार हुआ है, और जो इसके अंदर हमने फिलिंग की है ना पिस्ता और इलायची की, बहुत ही बढ़िया लगेगी जब आप इसे खाएंगे, और गणेश जी भी खुश हो जाएंगे। और आपके पास अगर मोदक मोड़ नहीं है तो बस इस तरह से लड्डू जैसा बनाएं, हल्का सा रोल करें, इसको प्रेस करें ऊपर की तरफ, इस तरह से टूथपिक से जिसको शेप दे दें या फोक से दे दें, बहुत ही इजी हो जाता है। सभी मोदक बिना मोड़ के भी तैयार कर सकते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, सुंदर और सॉफ्ट रोज संदेश मोदक। लग रहे हैं ना कितने बढ़िया, ये देखिए खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप खाते रह जाएंगे। इनको आप फ्रिज में आराम से 4-5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब बनाते हैं हमारे गणपति जी के लिए मिल्क मलाई मोदक। बनाना बहुत ही आसान भी है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप घी, ये बड़ी वाली 3 चम्मच। घी हो गया है हमारा मेल्ट, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध, उसी चम्मच से मान के चलिए 3 बड़े चम्मच। फ्लेम को यहाँ लो रखें, अच्छी तरीके से दूध और घी को हम मिक्स करेंगे। ये मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, दूध का पाउडर। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर हम मिल्क पाउडर को मिक्स करते जाएंगे जिससे कि लम्स ना बने। और इस तरह सारा मिल्क पाउडर डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहें, ये कुछ आपको मावे जैसा लगेगा। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी का पाउडर, चीनी को पीस लें मिक्सी में और इस तरह पाउडर बना लें। आप बारीक वाली चीनी भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम चीनी को भी मिक्स कर देंगे। और चीनी डालने के बाद ये इस तरीके से आपको कुछ पतला सा लगेगा, लेकिन आप इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाइए, धीरे धीरे करके ये पैन छोड़ने लगेगा। और इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ अच्छे कलर और खुशबू के लिए 2 बड़े चम्मच केसर का दूध। थोड़े से केसर के स्टैंड को मैंने हल्के गर्म दूध में भिगो दिया था, तो इस प्रकार से आपको एक बहुत ही बढ़िया कलर भी मिल जाएगा और खुशबू भी मिल जाएगी। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर या रोज एसेंस वगैरह भी डाल सकते हैं। बिल्कुल जैसे मंदिर पे मिलते हैं ना मोदक, बिल्कुल वैसे ही कलर आ जाए। और ये देखिए कि इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है, अब ये बिल्कुल लगभग तैयार है। जैसे आप इसको कढ़ाई या पैन से इस तरह करेंगे ना, तो देखिए पैन छोड़ रहा है, बस इससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होके ही अभी और थिक हो जाएगा। तो ज्यादा पकाने से या तो ये दरदरा सा हो जाएगा या चुई सा हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर आप गैस को ऑफ कर दें और इसे हम 30 सेकंड तक इसी तरह चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है ना, तो बस इस तरह चला करके अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। तो जब तक हमारा दूध मलाई मोदक का मिक्स हो रहा है हल्का सा ठंडा, फटाफट से बनाते हैं इसकी फिलिंग। फिलिंग बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि दूध मलाई मोदक अपने आप में ही बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बारीक किया हुआ पिस्ता, 1 चम्मच बिल्कुल बारीक किए हुए
बादाम, एक चम्मच बारीक किया हुआ काजू, आधा छोटी चम्मच किशमिश, इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद नहीं ना डालें, आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर खुशबू के लिए, इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। यहाँ मैं चीनी का पाउडर इसलिए नहीं डाल रही हूँ, दूध मलाई मोदक तैयार किया है वो भी मीठा है, और फिर इसमें नारियल है उसकी भी मिठास है और किशमिश की भी। एक छोटी चम्मच डालूंगी दूध जिससे कि ये सब बाइंड हो जाए। दूध को भी मैंने मिक्स कर लिया और ये लीजिए बहुत ही स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट की फिलिंग हो गई है तैयार। और ये देखिए मिक्स हो गया है, हल्का सा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा मत कीजिए, हल्का सा ठंडा, यानी अब अगर आप इसे इस तरह लें तो प्रॉपर ये लड्डू जैसा बन रहा है। तो आप लीजिए इस तरह से मोदक वाला साचा और थोड़ा सा हम इसमें से मिक्स लेंगे और मिक्स को मोदक के मोल्ड में इस तरह जैसे हमने पहले बनाए हैं उसी प्रकार से हम डालेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह रहने देंगे जिससे कि हम अपनी ये जो फिलिंग बनाई थी ना उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली हैं और बॉल्स को रख पाएं। और अब इसमें हम भर देते हैं ये वाली हमारी ड्राई फ्रूट्स फिलिंग, अंदर कर देंगे ऐसा, ऊपर लगा देंगे मिक्स, इसको करेंगे इस तरह से बंद, धीरे से करेंगे डीमोल्ड। वाव, कितना सुंदर हमारा मोदक तैयार हुआ है, ये देखिए लग रहा है ना एकदम प्यारा। मैं इसे रख देती हूँ प्लेट पर, बहुत ही बढ़िया, खाने में सुपर टेस्टी। हल्का सा इसको इस तरह दबाते हुए शेप अप कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हो हटा दीजिए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, लग रहा है ना कितना बढ़िया स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में घुल जाने जैसे दूध मलाई मोदक। तो इस बार गणेश जी के लिए आप प्रसाद में इनको भी जरूर बनाएं, बहुत बहुत ही टेस्टी होते हैं, घर में सबको पसंद आएंगे। स्वादिष्ट पान मोदक, पान मोदक बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बोल लें, और ये मैंने लिया है एक कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा, ये मैंने लिया है एक पान का पत्ता, पान के पत्ते को मैंने बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। पान का पत्ता आपको किसी भी पान की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। साथ ही मैं इसको एक पान जैसा हरे रंग का लुक लाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चौथाई छोटी चम्मच ग्रीन फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई भी फूड कलर अगर पाउडर वाला भी है तो पानी में मिला के आप इसे डाल सकते हैं। साथ ही इसको बाइंडिंग देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच कंडेंस मिल्क, जिससे एक तो इसमें मीठापन भी आ जाएगा और आपको इसको कोई पकाने या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। कंडेंस मिल्क को हमें सिर्फ इतना मिलाना है कि इससे इसकी बाइंडिंग हो जाए, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 5-6 बूंद आप डाल दें रोज एसेंस की, आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम पान का बना रहे हैं तो रोज एसेंस इसमें बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अच्छी तरह अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने पान मोदक का मिक्स बिल्कुल तैयार कर लिया है, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब फटाफट से तैयारी करते हैं इसके अंदर की फिलिंग की। ये मैंने लिया है गुलकंद, लगभग 1 बड़े चम्मच मैंने गुलकंद लिया है, गुलकंद भी आपको किसी भी सुपर स्टोर पर मिल जाएगा तो पान की दुकान पे तो पक्का मिल जाएगा। और अगर आपके पास इस तरीके के जो ड्राई पान आते हैं ना गुलकंद वाले, अगर ये वाले अवेलेबल हैं तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, इन्हें भरना आसान भी होता है। और इस फिलिंग को और भी सुपर टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच बारीक कटे हुए बादाम, 1 छोटी चम्मच नारियल का पाउडर, थोड़ा सा बारीक करा हुआ काजू, आप एक ग्रेटर लें और काजू को घिस लें तो इस तरह से आपको पाउडर मिल जाएगा। ये सब चीजें डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसी तरह भी मोदक को बना सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स के हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना पाए। फिलिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये बहुत ही डिलीशियस है। अब भाई पान मोदक बना रहे हैं, गुलकंद अंदर होना तो बनता है। इसमें से मैं पहले से ही थोड़ी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेती हूँ जिससे हमें फिलिंग करने में कोई परेशानी ना हो। और ये लीजिए हमारी गुलकंद बॉल्स बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे मोदक और घी से अंदर से इस तरह ग्रीस कर ले। अब आप लें 1 छोटे नींबू जितना नारियल पान मिक्स और इसको इस तरह चारों तरफ फैलाएं, बीच में थोड़ी जगह करें जिससे कि हम गुलकंद वाली बॉल को इसमें फिल कर पाएं। मोल्ड के साइज के अनुसार आप इसमें फिलिंग करें। और अब रखें इसमें 1 गुलकंद बॉल और थोड़ा सा पान नारियल का मिक्स हम ऊपर भी इसको कवर करने के लिए डाल देंगे और इस तरह से हाथ से प्रेस करते हुए इसको बढ़िया से शेप कर दें। और धीरे से बिल्कुल धीरे धीरे मोदक को हम सांचे से निकालेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ऐसे खोल लें। वाओ सुपर, ये देखिए लग रहा है ना एकदम मुंह में पानी ला देने वाला। तो सभी को हम बिल्कुल इसी प्रकार बनाएंगे। और ये देखिए हमारे पान मोदक कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप लीजिए 1 बड़े नींबू साइज की बॉल इस तरह से, इसको आप गोल कीजिए, प्रेस करके इसको इस तरह से फैलाते हुए इसके अंदर जो अभी हमने गुलकंद वाली फिलिंग बनाई थी ना बस उसको रख देते हैं। आप इसको चारों तरफ से लड्डू की तरह से बंद करें, हथेली पर रखें,
साइड से फिंगर से इस तरह दबाते जाएं और ऊपर की तरफ उठाते जाएं, जिससे कि आप इसकी एक मोदक जैसी जो एक नॉक होती है उसको बना पाए। नीचे की तरफ प्रेस कर दें, ऊपर की तरफ हल्का सा उठाएं। देखिए बन गई ना बिल्कुल मोदक वाली शेप। तो लीजिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट पान मोदक, झटपट हो गए तैयार। पान का स्वाद और जो गुलकंद का कॉम्बिनेशन है इतना माउथ वाटरिंग है कि सब खाते रह जाएंगे। पीनट मोदक बहुत बहुत स्वादिष्ट, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने जैसे। तो मैंने यहाँ ली है 1 कप रोस्टेड मूंगफली, यानी भुनी हुई मूंगफली। सिंपल मूंगफली को भून लें और भून करके उसका छिलका हटा करके इस तरह तैयार कर लें। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में हम ये रोस्टेड मूंगफली को डाल देंगे। मूंगफली को यहाँ हम पल्स पर पीसेंगे, यानी लगातार नहीं चलाएंगे, रुक रुक कर मिक्सी को चलाएंगे, जिससे कि हमें दरदरा पाउडर इसका मिल पाए। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा भुनी हुई मूंगफली का पाउडर तैयार हुआ है। अब यहाँ मैंने लिया है 3/4 कप गुड़, बहुत ही हेल्दी। जिस कप से आपने 1 कप मूंगफली ली है उसी कप से 3/4 कप आप गुड़ लें, यानी 1 कप से थोड़ा कम। गुड़ को हम मिक्सी में इसी तरह डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इसको डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बस अब हमें वापस से मिक्सी को पल्स पर फिर से चलाना है, जिससे कि गुड़ और जो मूंगफली का पाउडर है अच्छी तरीके से बंध जाए। ये लीजिए मैंने अच्छी तरीके से मूंगफली और गुड़ को पीस लिया। बस इस तरह जब आप लगातार चलाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह जैसे बेसन के लड्डू के लिए मिक्स तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मूंगफली में अपना ही बहुत तेल होता है, कभी कभी गुड़ थोड़ा ड्राई सा आ जाता है, तो अगर आपको फील हो कि नहीं बन रहा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। और इस पीनट मोदक को मैं बनाने वाली हूँ बिना मोदक मोल्ड के। बस इस तरह हाथ को चिकना कर लें और चिकना करके इसको लड्डू की शेप दें, और अगर मोदक मोल्ड है तो आप इसे मोदक मोल्ड से बना लें। तो इस तरह घुमाते हुए इसको दें बिल्कुल अच्छे से लड्डू की शेप। हथेली पर रखकर इसको इस तरह ऊपर से दबाव देते हुए इसको मोदक की शेप दें। बहुत ही आसान है बिना मोल्ड के भी मोदक बनाना, और जो आपका थंब का इम्प्रेशन यानी अंगूठे के इम्प्रेशन से भी आप बिल्कुल इस तरह से इसको डिजाइन देते जाएं, और जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डिजाइन देने के लिए आप क्या करें, आप लें 1 टूथपिक और टूथपिक से इस तरह से प्रेस करते हुए एक इम्प्रेशन जैसा इसमें दें। और ये देखिए बिना मोल्ड के ही बहुत ही सुंदर सा हमारा मोदक हाथ से बना हुआ तैयार हो गया। और ये लीजिए हमारे पीनट मोदक बिल्कुल तैयार है। और इनके टॉप को मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है बारीक चॉप किए हुए पिस्ता से। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मात्र 2 ही चीजों से बने हुए झटपट वाले, बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट। आसानी से 20-25 दिन तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा आपने 5 तरीके के झटपट और आसान मोदक, जितने सुंदर है देखने में उतने खाने में भी स्वादिष्ट है, बनाना भी आसान है। तो इस गणेश चतुर्थी गणेश जी के प्रसाद के लिए उनके फेवरेट मोदक जरूर जरूर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।